आए दिन हिंद महासागर में चीन अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करता रहता है, पर भारत के इस कदम से चीन की चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। भारत ने हिंद महासागर में अहम रोल अदा करने वाले 10 देशों के सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि करीब 3 क्षेत्र ऐसे होंगे जिसमें देशों को तमाम अवसरों के साथ चुनौतियां भी मिलेंगी। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में लोगों को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने भारत के पड़ोसियों से कहा है कि समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। आर गोइंग टू बी द 3 एरियाज व्हिच आर गोइंग टू अफोर्ड द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज एज आल्सो प्रेजेंट द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स। द चैलेंज बिफोर अस द पीपल द कंट्रीज इन दिस रीजन इज हाउ डू वी मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटीज एंड मिनिमाइज द पॉसिबिलिटीज ऑफ द थ्रेट्स। And that is the spirit that brings us in this room together. It is the spirit, how do we identify, work upon, consolidate and take ahead the agenda for seizing those opportunities to our greatest benefit. As I said, that it would be desirable for us to become not only predictable, it is not only in the negative sense, but more importantly in the positive sense to identify what all is that we can contribute to each other's, not only the security, but also providing better economic and other opportunities. गोवा के पणजी में आयोजित इस सम्मेलन में 10 देशों के नौसेना प्रमुख शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने वाले देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल है। इस सम्मेलन के दौरान समान प्रमुखता वाले मुद्दे और क्षेत्रीय रणनीति पर चर्चा हुई। हिंद महासागर को कैसे ये सभी देश मिलकर चुनौतियों का सामना करें, इस पर खास ध्यान दिया गया है। डोभाल ने कार्यक्रम में शामिल देशों को क्षेत्रीय समुद्री रणनीतियों में एक दूसरे का पूरक बताया और कहा कि बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, लेकिन शायद हम में से कोई भी अकेला अपने दम पर उन्हें करने में सक्षम नहीं है, लेकिन मगर हम मिलकर ये काम करने में सक्षम है। एनएसए ने कहा कि जो देश इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उन सभी के बीच किसी भी प्रकार की कूटनीतिक संघर्ष नहीं है और भारत सरकार की इच्छा है कि वो अपने पड़ोसियों के लिए उपयोगी हो सके। जाहिर है इन देशों के एक साथ आने से हिंद महासागर में नापाक साजिश रचने वालों के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इतने देशों के साथ आने पर मतलब समुद्री रास्तों से आतंक के कारोबार पर नकेल कसना साफ है। समुद्री क्षेत्र में अतिक्रमण और जासूसी की घटनाओं में कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।